आप सभी को आशीष का प्यार भरा नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आपका मेरे शो में जिसका नाम है द बडी शो। और आज के इस नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों हम लेकर आ रहे हैं नीमच और मनासा की एक जानी मानी प्रतिभा को। जी हाँ दोस्तों, तो तीनों ही प्रतिभा के धनी, लाइक बॉलीवुड सिंगिंग हो या इंडियन क्लासिकल सिंगिंग हो या फिर गजल गायकी हो, तीनों ही प्रतिभा के धनी और विद्वान गोविंद गंधर्व जी को। गोविंद सर वेलकम टू द बड़ी शो। सर थैंक यू सर। सर आप बड़ी शो देखते हैं कि नहीं देखते हैं? जरूर देखते हैं। अभी तक कितने एपिसोड आपने देखे? मैंने आपके तीनों एपिसोड देखे हैं। सर पिछली बार हमने आपके स्टूडेंट्स को सुना था, काफ़ी अच्छी गायकी करी थी, इसलिए मन में आया कि इस बार सर को भी सुन लिया जाए। तो सर मैंने सुना कि आप तीनों ही जो गायकी की विधाएं होती है, चाहे बॉलीवुड सिंगिंग हो, क्लासिकल सिंगिंग हो या गजल गायकी हो, तीनों ही विधाओं में आप परफेक्ट हैं। तो हम और हमारे दर्शक आज आपसे सुनना चाहेंगे, तो सर आप पहले क्या सुनाना चाहेंगे? जो आप सुनना चाह रहे हैं। तो सर आज हम पहले आपसे, सबसे पहले हम सुनना चाहेंगे दोस्तों बॉलीवुड सिंगिंग गोविंद सर से। तो देखिए दोस्तों। याद आ रहा है एक गजल की, गुलाम अली साहब की एक लाइन थी, वो मैं सर आपको माफी चाहूंगा, आपसे सुनाना चाहूंगा आपको। के उधर जुल्फों में कंघी हो रही है, खम निकलता है, इधर रुक रुक के थक थक के हमारा दम निकलता है। क्या इलाही खैर करे, उलझन पे उलझन बढ़ती जाती है, उधर उनका खम निकलता है, इधर हमारा दम निकलता है। क्या बात?
तो चलिए दोस्तों, मेरी सिंगिंग तो हो गई, अब हम चलते हैं सिर्फ सर की गजल सुनने के लिए। तो देखते हैं, आप भी देखिए। कितने समय पहले से आपका ये सिंगिंग का दौर जारी है सर? मैं बताना चाहूँगा, मैं बचपन से ही संगीत सीख रहा हूँ और अभी भी सीख रहा हूँ। मेरे गुरु का नाम है घनश्याम जी गंधर्व और मेरा बचपन से ही रहा है कि मैं गजल गाने की कोशिश करूँ, क्योंकि अभी भी ये कंडीशन है कि कई सारे जो सिंगर्स हैं, अभी जो नए सिंगर्स आ रहे हैं, वो बॉलीवुड के गाने जो हैं वो गाते हैं, पर गज़ल लुप्त तो होने वाली है। तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा कुछ अगर गज़ल के बारे में अगर लोगों को बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। सर, मेरे ख्याल से तो आपके होते सराते तो शायद गज़ल लुप्त नहीं होएगी, क्योंकि आप बहुत ही बढ़िया गा रहे हैं और आपने इसको बना के रखा है। क्या बात है सर। और सर, मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि बड़ी शो में आपको कैसा अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को आप बड़ी शो के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इस शो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग नहीं आ सकते हैं टीवी पर या कुछ कंडीशंस होती हैं, तो आप लोग द बड़ी शो पर आइए और यहाँ अपना वीडियो शूट करें और अपनी प्रतिभा को निखारें और लोगों को बताएं कि हम लोगों में भी कुछ हैं। तो द बड़ी शो के माध्यम से आप आगे जा सकते हैं और प्लीज़ द बड़ी शो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू। तो देखा दोस्तों आपने गोविंद सर की इस प्रतिभा को,
इनकी इस प्रतिभा को बहुत सारे लाइक, कमेंट्स और व्यू दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यही आपकी एक प्रेरणा है जो हमको आगे बढ़ाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, बेल के आइकन को क्लिक कर उसको अलर्ट कीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ।